नमस्कार, मैं राजकुमार श्री औरबिंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIEEI द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत यूपी बोर्ड के कक्षा 4 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 12 भक्ति नीति और माधुरी को एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीकी एक गतिविधि गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा के माध्यम से क्रियान्वयन करना बताऊंगा। वैसे तो इस पाठ को ZIEEI के कई नवाचारों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा सकता है, परंतु इस वीडियो में हम इसे गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा के माध्यम से क्रियान्वित करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस पाठ के सार के बारे में बता देता हूँ। प्रस्तुत पाठ भारत के प्रसिद्ध कवि कबीर, रहीम और सूरदास जी की कई रचनाओं पर आधारित है। इस नवाचार क्रियान्वयन की नवीनता और उपयोगिता क्या है, कंसेप्ट से संबंधित निर्देशों को इनके आधार पर बच्चे आसपास के परिवेश के उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए अपना गृह कार्य करते हैं। इसके लिए वे अपने अभिभावकों की, अपने परिवार के दूसरे सदस्यों की मदद भी लेते हैं। उन्हें वर्तमान परिवेश से जोड़ते हुए विद्यार्थी अपनी समझ को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। इस नवाचार क्रियान्वयन की अवधि की जहाँ तक बात है, इसमें कुल 30 मिनट का समय लगता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया क्या है, इस नवाचार क्रियान्वयन प्रक्रिया के माध्यम से बच्चों को शब्दावली, तद्भव और तत्सम शब्द इत्यादि का हम पुनः अध्ययन आसानी से करवा सकते हैं। इसके पूर्व प्रबंधन की जहाँ तक बात है, तो इसमें कोई विशेष पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती है। नवाचारी शिक्षक इसके अंदर छात्रों को तद्भव, तत्सम शब्द, शब्दावली जैसे पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट का पुनः अध्ययन आसानी से करवा सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए कि स्व अध्ययन की प्रक्रिया में बच्चों को जो पाठ पढ़ाए, जो बच्चों को हम पुनः अध्ययन करवाने वाले हैं, उस पाठ को पहले ही पढ़ा दिया गया हो और साथ ही साथ उसके निर्माण और व्याख्या भी पहले ही बच्चों को करवा दी गई हो। सभी प्रकार के टॉपिक से संबंधित बच्चे अभिभावकों की मदद लेते हुए गृह कार्य को करने का प्रयास करते हैं। बच्चों को निर्देशित किया जाता है कि आपको अपने घर से, अपने माता पिता की सहायता लेते हुए, आसपास के परिवेश का उदाहरण लेते हुए तद्भव और तत्सम शब्द पढ़कर आने हैं। प्रत्येक बच्चे को कम से कम एक तद्भव और एक तत्सम शब्द बताना है, उसको समझाना है। इस प्रकार के निर्देशों के बाद में जब इस गतिविधि को विद्यालय में करवाया जाता है, मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता देता हूँ कि नवाचारी शिक्षक बच्चों को जब बोलता है कि हाँ बताइए आपने कौन सा शब्द सीखा, बच्चे ने बोला हृदय, और उसका तत्सम शब्द वापस बताता है इस तद्भव शब्द हृदय का, तत्सम शब्द बताता है हृदय, तो नवाचारी शिक्षक बोर्ड पर एक सारणी बनाता है, बच्चों के द्वारा बताए गए तद्भव और तत्सम शब्द को उसके अंदर लिखता है। जब पूरी जानकारी इकट्ठी हो जाती है तो सारे बच्चों को कहता है कि ये सारी जानकारी जो आपने यहाँ मुझे बोलकर सुनाई है, ये अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो। विद्यालय के अंदर कक्षा के सारे बच्चों का इसमें समान भागीदारी आवश्यक है। शिक्षक इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि सारे बच्चे गृह कार्य करके लेकर आए। ऐसा करने से बच्चों को पढ़ाया गया कंसेप्ट ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा, पढ़ाए गए कंसेप्ट का पुनः अध्ययन आसानी से हो जाएगा। इस गतिविधि के क्रियान्वयन से सीखने के कई प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे बच्चे ध्यान से दूसरों के द्वारा कही गई बातों को सुनते हैं, उन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। जो चीजें बच्चों ने पढ़ी है और जो चीजें उन्होंने अपने निजी अनुभव से सीखी है, उनको आपस में तालमेल बिठाने का प्रयास करते हैं, उन पर अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ बच्चे अलग अलग जगहों पर अलग अलग रचनाओं में आए शब्दों के संदर्भ को समझकर उनका अर्थ ग्रहण करने का प्रयास भी करते हैं। इससे भाषा की बारीकियों को समझते हैं, वे अपने वाक्यों का निर्माण करते हैं, अपनी भाषा को नई रूप से गढ़ते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन को करते वक्त कई बातों को ध्यान में रखा गया है, जैसे गृह कार्य प्रयोगात्मक और अनुभवात्मक होना चाहिए, बच्चों को स्वयं पता करके किसी निष्कर्ष तक पहुंचना होता है। साथ ही साथ इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान NCF 2005 के उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है। इस पाठ को प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह में पढ़ाया जाता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को लाभ प्राप्त होता है। इस नवाचार क्रियान्वयन की अवधि PTR अनुपात को ध्यान में रखते हुए रखी गई है। हम आशा करते हैं कि आपको यह गतिविधि अच्छी लगी होगी।
आप भी इसे अपने विद्यालय में क्रियान्वित करेंगे, इस नवाचार के माध्यम से इस चैप्टर को पढ़ाएंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है, आप हमारे YouTube चैनल ZII EI को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।